नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.15 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.25 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, Kb4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको गिवन। अच्छा यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या दिया है आपको अमोनियम क्लोराइड, ये आपका क्या हो गया वीक बेस, और ये आपको क्या मिला वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, और इनका मिक्सचर आपका क्या कहलाता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। और बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीओएच निकालते हैं अपन, ना कि पहले पीएच, पीओएच निकलेगा पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट या कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस NH4OH। ठीक है, तो यहां पर हमें केबी तो दे रखा है, केबी कितना दे रखा है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 1.8 × 10⁻¹⁵, तो पीकेबी इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग 1.8 × 10⁻¹⁵, कितना होगा ये 5 − log 1.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.74। बेसिकली डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं कि 1.8 × 10⁻¹⁵ जब भी आपको दिखेगा आपको उसका पीके पीकेबी या पीए जब भी निकालनी है वो कितना आएगा 4.74। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे हम रख देते हैं, तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी कितना 4.74 प्लस लॉग। अच्छा अब अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड के बारे में क्या दे रखा है 0.25 मोल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में 0.15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5/3। पीओएच इक्वल टू कितना हो गया 4.74 प्लस लॉग 5 की वैल्यू 0.07 माइनस 0.47, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 0.23। ठीक है, तो पीओएच कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 4.97। ठीक है, तो हमें तो क्या बताना है पीएच, पीएच क्या हो जाएगा 14 − 4.97 कितना आ जाएगा 9.03। तो ये आपकी पीएच की वैल्यू आ गई 9.03। ठीक है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता है, जो रिलेशन हम लिखाते हैं बच्चों को वो रिलेशंस बच्चों को याद होने जरूरी हैं, उनको आप अलग अलग तरीके से उनको सिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने बफर सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है जो आपको अच्छे तरीके से उनको समझाने पड़ेंगे।